सीताराम 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 सीताराम। सभी श्री रामचरितमानस प्रेमियों को जय सिया राम, राम राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं, अवश्य सुने। यदि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। खग मग परिजन नगर बनो, बल कल विमल दुकूल। नाथ साथ सुर सदन सम, परन साल सुख मूल। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। बन ही नगर और बच्चों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्ती की बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करी है सास ससुर समसारा। कुस किस ले साथरी सुहाई, प्रभु संग मंज मनोज तुराई। उदार हृदय के बन देवी और बन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभार करेंगे, और कुस और पत्ती की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल फल अमी आहारू, अवध सौत सत सरिस पहारू। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हो मुदित दिवस जिमको की। कंद मूल फल अमी आहारू, अवध सौद सत सरिस पहारू। छिन छिन प्रभु पद कमल बिलो की, रही हो मुदित दिवस जिमको की। कंद मूल और फल ही अमृत के सामान आहार होंगे, और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसी दिन में चकवी रहती है। बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिल होए ना कृपा निधाना। हे नाथ, आपने बन के बहुत से दुख और बहुत से भय विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आप के वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जी अजानी सुजान शिरोमणि, ले हैं संग मोहि छाड़ है जनी। बिनती बहुत करो का स्वामी, करुणा नामय उर अंतर जामी। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूँ, आप करुणामय हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राखे अवध जो अवध लगे, रहत न जान यही प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद सील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे सील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रहते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे।
मोहि मग चलत न छुई हैं हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबहि भात पिय सेवा करी हो, मार्ग जनित सकल सम हरी हो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट ना होगी। हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठ तरु छाही, करी हो बाव मुदित मन माही। समकन सहित श्याम तनु देखे, कह दुख समयो प्राण पति पेखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी, पंखा झुलाऊंगी, पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अपजस ही कहाँ रहेगा। सम महित्रन तरु पल्लव डासी, पाय पटोटी सब निसदासी। पाय पलोटी सब निसदासी, बार बार मधुमूरत जोही। लागहि तात बयार न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देकर मुझको गर्म हवा भी ना लगेगी। को प्रभु संग मोहि चितवन निहारा, को प्रभु संग मोहि चितो निहारा। सिंघव धुई जिम ससक सियारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगु, तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोगु। को प्रभु संग मोहि चितो निहारा, सिंघव धुई जिम ससक सियारा। मैं सुकुमार नाथ बन जोगु, तुम्हें उचित तप मोह कहो भोगु। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आँख उठाकर देखने वाला कौन है, अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिंहनी को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य हैं। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ऐसे हो वचन कठोर सुने, जौ नद हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही है पावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय ना फटा तो हे प्रभु, मालूम होता है ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। अस कहि सिय बिकल भय भारी, वचन वियोग न सकी संभारी। देख दशा रघुपति जिय जाना, हठ राखे नहीं राखे प्राणा। ऐसा कहकर सीता जी बहुत ही व्याकुल हो गई। ये वचन के वियोग को भी ना संभाल सकी, अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी ये दशा देखकर श्री रघुनाथ जी ने अपने जी में जान लिया कि हट पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से प्राणों को ना रखेगी। कहो कृपाल भानकुल नाथा, परिहर सोत चलो बन साथा। नहीं विषाद कर अवसर आजू, बेग करहुँ बन गमन समाजू। तब कृपाल सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कही प्रिय बचन प्रिया समझाई, लगे मातु पद आशीष पाई।
बेग प्रजा दुख में टब आई, जननी निठुर बिसर जन जाई। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और ये निठुर माता तुम्हें भूल ना जाए। फिर दशा विधि बहुर की मोरी, देखहु नयन मनोहर जोरी। सुदिन सुगरी तात गब हुई, जननी जियत बदन विध जुई हैं। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वो सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी? मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम, जय श्री राम।